और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है एच, तो ए पॉइंट का प्रेशर बी पॉइंट से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू एच रो जे, बता दिया। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर ये ए पॉइंट है बी पॉइंट है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है एच, यहाँ पे पी एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो यहाँ पर यहाँ का जो प्रेशर है ए का बी से ज्यादा होगा, ए का प्रेशर बी से कितना ज्यादा होगा बाय एच रो जी, पर बी का प्रेशर कितना है पी एटमोस्फेयर, तो बी पॉइंट प्रेशर एट बी क्या लिखेंगे पी एटमोस्फेयर, तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा पी एटमोस्फेयर प्लस एच रो जी, ये पॉइंट भी मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है फ्लूइड प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द वेसल, जो पैराडॉक्स अभी किया था इसको और बुक्स ने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया, जैसे ये देखो चारों ट्यूब्स की शेप ही चेंज है, कोई पतली है कोई मोटी है कोई टेढ़ी मेढ़ी है कोई जिगजैग कैसी है, लेकिन हाइट सभी में क्या है एग्जैक्टली सेम, तो अगर हाइट सेम है इररिस्पेक्टिव कि उसकी शेप क्या है, प्रेशर ए पॉइंट पे बी पॉइंट पे सी पॉइंट पे और डी पॉइंट पर एग्जैक्टली क्या रहेगा सेम, कितना पी एटमोस्फेयर तो होगा ही होगा प्लस एच रो जी, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी सेम आएगा, ठीक। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, टेढ़ी मेढ़ी वेसल दे देगा और फिर प्रेशर पूछेगा, आपने अगर एक लेवल पर आपका जो लिक्विड लिक्विड है तो प्रेशर की वैल्यू भी बॉटम पे क्या रहेगी सेम इरिस्पेक्टिव शेप के। नेक्स्ट है अगर आपके सामने एक ट्यूब है जिसमें लिक्विड है और एक्स पॉइंट पर आपको प्रेशर निकालना है, क्योंकि अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के ऊपर प्रेशर डिपेंड करता है और ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करती है, जिगजैग से कोई लेना देना नहीं है, तो इस पॉइंट की वर्टिकल हाइट इस लिक्विड से कितनी है एच, तो एक्स पॉइंट पर प्रेशर रहेगा पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी, इरिस्पेक्टिव जिगजैग फॉर्म में भी अगर ट्यूब ले लोगे तो भी कोई फर्क नहीं, आपने स्ट्रेट डिस्टेंस लेना होता है विद ग्रेविटी एच, तो आंसर एच रो जी ही रहेगा इसमें भी। नेक्स्ट है जैसे ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर में लिक्विड है और लिक्विड के अंदर कुछ पार्टिकल्स दिए मैंने पॉइंट एक्स वाई एंड जेड, और इन तीनों पॉइंट्स की हाइट सरफेस से कितनी है एच, तो प्रेशर एक्स पर वाई पर जेड पर हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट सेम रहेगा, डिफरेंट नहीं आएगा, ये भी पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है अगर सपोज करो इस टाइप की ट्यूब है, इस टाइप की ट्यूब में अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन कट करें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ए का प्रेशर बी का प्रेशर और सी का प्रेशर भी एग्जैक्टली क्या आएगा सेम आएगा, तो ये एक लाइन पे अगर पॉइंट्स लाई करेंगे एक ही लिक्विड में तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, ए बी सी पे प्रेशर सेम ही रहेगा। इसको समझाने के लिए एक और एग्जाम्पल है ये देखो, पर इस एग्जाम्पल में क्या किया हमने, इस एग्जाम्पल में हमने डेंसिटीज को चेंज कर दिया लिक्विड की, देखो सपोज करो आपके पास एक डेंस लिक्विड है, डेंसिटी ज्यादा है और एक थोड़ा लाइट लिक्विड है, एक जैसा लिक्विड नहीं है, क्योंकि अगर एक जैसा लिक्विड होता, अगर एक जैसा लिक्विड होता तो क्या होता, हाइट इस पॉइंट पर और राइट साइड पर एग्जैक्टली क्या होती सेम होती, पर अगर एक तरफ से लिक्विड ज्यादा भारी है डेंस है तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा और हल्का लिक्विड जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाएगा और लेवल्स अनइक्वल हो जाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक, लेवल्स अनइक्वल हो गए, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक यहां तक क्लियर है। अब आगे, अब इसके अंदर एग्जाम्पल में ये गिवन है कि आपके सामने ये एक ट्यूब है, राइट, ये एक ट्यूब है इस तरीके से यू की फॉर्म में ट्यूब है, और मान लो इसमें लिक्विड है, ये एक किस्म का लिक्विड है, एक टाइप का लिक्विड है और ये दूसरे टाइप का लिक्विड है, राइट, ये दूसरे टाइप का लिक्विड है कुछ ऐसे, देखो तो रेड लिक्विड थोड़ा भारी है, ब्लैक वाला हल्का है, तभी ब्लैक ऊपर चला गया, ठीक, तो लेट अस सपोज ये एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में सपोज कर लेते हैं ये एक पॉइंट, नया पॉइंट बना लेता हूँ, ये एक्स पॉइंट है, ये पॉइंट बना लेता हूँ सी पॉइंट है, एक और पॉइंट बना लेते हैं चलो ए पॉइंट है, ये पॉइंट इसके बिल्कुल साथ पैरेलल बनाते हैं ये री, तो ये कितना पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट है,
बिल्कुल बाउंड्री पे है इसके, बी पॉइंट है, एक पॉइंट बना लेते हैं कितना सी के साथ, कितना डी पॉइंट है, और ये हाइट जो है वो कितनी है, वो एच हाइट है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जो अपना काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, वो यहां से भी कर रहा है और वो यहां से भी कर रहा है, ठीक। तो ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल में एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन तो नहीं है, खैरिए देखो क्या, अगर मैं बोलूं कि एक्स पॉइंट पर प्रेशर बोलो क्या होगा, तो एक्स पॉइंट तो हवा में ही है, तो सिर्फ क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, सही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक। अगर मैं बोलूं सी पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, तो फिर इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, क्योंकि बिल्कुल सरफेस के ऊपर पॉइंट है, उसके ऊपर बिल्कुल भी लिक्विड नहीं है, इसके ऊपर तो एयर है, ये भी क्लियर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। अगर मैं ये बोलता हूं कि ए पॉइंट पे कितना प्रेशर है, अब हाँ, तो पहले मुझे ना कुछ हाइट भी देनी पड़ेगी, तो ये हाइट मान लेते हैं एच डैश है, इसमें गिवन नहीं तो गिवन कर लो एच डैश है, एच डैश है, ठीक। तो देखो, तो ए पॉइंट पे प्रेशर बोलो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा, साथ में एच डैश रो डैश इनटू जी, काम करते हैं इस लिक्विड की डेंसिटी रो डैश है और इसकी डेंसिटी लेट अस सपोज रो है, डिफरेंट है, तो रो डैश इनटू जी, कोई डाउट इसमें, ऐसे करेंगे तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक तो होगा होगा, साथ में एच डैश इनटू रो डैश इनटू जी, कोई डाउट इसमें, ये भी क्लियर है यहां तक। सिमिलरली अब एक काम करते हैं, पॉइंट बी की बात करते हैं, चलो बी की, बी के ऊपर जो प्रेशर है, अब ये हाइट भी एग्जैक्टली क्या हो जाएगी, एच डैश हो जाएगी, तो बी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक तो होगा ही होगा ऊपर से, प्लस इसकी वजह से और इसकी वजह से एच प्लस एच डैश इंटू रो इंटू जी, क्योंकि इस लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो टोटल हाइट क्या है, एच प्लस एच डैश इंटू रो इंटू जी, तो बी पॉइंट का प्रेशर आ गया, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट डी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, डी पॉइंट का प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा प्लस एच इंटू रो इंटू जी, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। हाँ, इस पहली लाइन को कट कर लो, पहली लाइन को कट करो, ये पहली लाइन गलत है, इसको कट करो, बाकी स्टेटमेंट सही है, सी और डी का प्रेशर अनइक्वल है, सी का और डी का प्रेशर अनइक्वल है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सी का प्रेशर पी एटमॉस्फेयर है, सी का प्रेशर पी एटमॉस्फेयर है, डी का प्रेशर पी एटमॉस्फेयर प्लस एच रोजी है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, डी का प्रेशर सी से बड़ा है, ठीक है, डी का प्रेशर सी से बड़ा है, सही है। तो पॉइंट समझ में आ गया यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक। तो कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे समझ में आता है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक, बैठा दूं बोर्ड, देखो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, सपोज करो आपके पास ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर कोई पॉइंट है ए, ए पॉइंट और ये कंटेनर रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर ये कंटेनर रेस्ट पे है तो लिक्विड का लेवल विल रिमेन सेम, ये नहीं हिलेगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी नहीं हिलेगा, पर लेकिन अगर ये कंटेनर एक्सेलरेट करता है तो सूडो फोर्स एक्ट करेगा पानी के ऊपर और पानी पीछे की तरफ मूव करेगा, कुछ ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक। डायग्राम अगर ये ऐसे था रेस्ट पे,
अगर कंटेनर एक्सलरेट करेगा तो लिक्विड पीछे की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्या पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो क्यों करेगा ऐसे? बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। तो अगर ये रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ही एक्सेलरेशन जीरो है, देयर इज नो सूडो फोर्स, तो लेवल ऐसे ही रहेगा। तो ए पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रोजी, सही है। लेकिन अगर ये एक्सेलरेट करेगा, तो अगर ये कंटेनर रेस्ट पे था लेकिन अभी एक्सेलरेट कर रहा है, तो लिक्विड का लेवल पीछे की तरफ उड़ जाएगा। इवन अगर आप बहुत तेज एक्सेलरेट करवाओगे तो लिक्विड और पीछे आएगा, और हो सकता है कि आप एक चाय का कप पी रहे हो और कार एक्सेलरेट कर रही है, वो चाय पूरी की पूरी आपके ऊपर गिर जाए। गिर भी जाता है, पानी पीते हैं, अगर पानी पी रहे होते हैं चलती कार में और एकदम एक्सेलरेट करते हैं तो पानी आपके ऊपर गिर सकता है। तो ये वही केस है कि इसमें सूडो फोर्स लग रही है और लिक्विड का लेवल पीछे उठ गया। आपको बताना है कि कितना लेवल ऊपर उठ गया पीछे, एंगल थीटा क्या है जब एक्सेलरेशन ए है। तो एंगल थीटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपको। तो इसको करने का ये तरीका रहेगा कि कोई भी एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, उसके ऊपर दो एक्सेलरेशन एक्ट करेंगी। एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और क्योंकि कार आगे एक्सेलरेट कर रही है तो सूडो फोर्स कहाँ एक्ट करेगी? पीछे। और एक्सेलरेशन सूडो फोर्स की क्या होगी? ए। तो इसके ऊपर दो एक्सेलरेशन एक्ट करेंगी, एक जी और एक ए। तो नेट एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जी इफेक्टिव, ये रहा। तो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन आएगा तो बताओ ये जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर इफेक्टिव जी कितना एक्ट करेगा, नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या एक्ट करेगी? आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रहा। दूसरा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल थीटा, तो जैसे इंक्लाइन प्लेन नहीं हो गया, इंक्लाइन प्लेन के हिसाब से ये भी थीटा हो जाएगा, जैसे एम जी एम जी कॉस थीटा का कॉन्सेप्ट हम लगाते थे। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये अगर वेक्टर ए है तो ये भी ए है, तो टेन थीटा क्या आएगा? ए डिवाइडेड बाई जी। तो टेन थीटा ए बाई जी, थीटा क्या आएगा? टेन इनवर्स ए बाई जी। तो एंगल कैसे निकलेंगे समझ में आ रहा है? तो जो ये एंगल होगा वही उसका जो है लिक्विड की सरफेस का एंगल बन जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो ये बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं कि कैसे प्रेशर के कॉन्सेप्ट को लगाने आपने, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, सपोज आपके पास इसमें लिक्विड है और ये कंटेनर फिर से क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये कंटेनर फिर से आगे एक्सेलरेट कर रहा है। इस बार ये ए पॉइंट यहां पर है, ए पॉइंट का इस लेवल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है एच, और एटमोस्फेरिक प्रेशर तो बाहर है ही है, आपको ए पॉइंट पर प्रेशर निकालना है। तो अगर आपको एच परपेंडिकुलरली गिवन है, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसी तरफ आती थी। तो ऊपर वाला डायग्राम सेम आप रेफर कर सकते हो इसमें, ये देखो जी इफेक्टिव चेक करो, जी इफेक्टिव ऐसी आ रही थी, ये रही जी इफेक्टिव सेम। तो मतलब मैंने ऊपर वाले डायग्राम को नीचे ड्रॉ नहीं किया, बस यही फर्क है। तो इसके अंदर जी इफेक्टिव इस तरफ आ रही है, जिस तरफ आपको हाइट क्या गिवन है? एच। तो प्रेशर की वैल्यू होगी इसमें पी एटमोस्फेयर तो होगा ही होगा, प्लस एच एच इंटू रो इंटू जी की जगह जी इफेक्टिव, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एच है उसी डायरेक्शन में जी इफेक्टिव, एच रो जी इफेक्टिव। तो कोई कहता है कि मतलब कि अगर मान लो ये हाइट ऐसे गिवन होती, क्योंकि इसमें तो ऐसे टेढ़ी गिवन है, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर गिवन है, अगर इस सरफेस के परपेंडिकुलर ना गिवन होती, सीधी ऐसे गिवन होती, फिर मैं आंसर चेंज करूंगा, देखना कैसे। पर क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में एच है उसी डायरेक्शन में जी इफेक्टिव है, तो आपने एच रो जी में जिस डायरेक्शन में एच है उस डायरेक्शन में जी इफेक्टिव होगी, आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं। और जी इफेक्टिव आपको पता है ऊपर वाले क्वेश्चन से अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक, अब सपोज करो, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। इस बार मुझे एच स्ट्रेट नीचे के लिए वर्टिकल गिवन है, टेढ़ा नहीं गिवन, मतलब मुझे एच जी इफेक्टिव की डायरेक्शन में नहीं गिवन, मुझे एच ऐसे गिवन है। तो अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर ए पॉइंट का प्रेशर निकालना है, तो देखो कैसे लगेगा। देखो, तो अब मुझे यह करना है वर्टिकल डायरेक्शन में, मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, क्या यहां का बताओ प्रेशर क्या होगा? पी एटमोस्फेयर,
ए पॉइंट का प्रेशर माइनस पी एटमोस्फेयर, ए पॉइंट का प्रेशर माइनस पी एटमोस्फेयर विल बी इक्वल टू व्हाट, एच रो जी इफेक्टिव नहीं इस बार, जी जी क्यों, क्योंकि एच की डायरेक्शन किस तरफ ले ली मैंने, जी की तरफ, क्योंकि जी वर्टिकली कहां होता है, डाउनवर्ड्स। अगर एच जी इफेक्टिव के साथ था तो जी इफेक्टिव, अगर इस केस में एच वर्टिकली डाउनवर्ड है तो सिर्फ जी। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, डिफरेंस समझ में आ रहा है ऊपर नीचे में? तो यहां से पीए की वैल्यू क्या आ सकती है, पी एटमोस्फेरिक प्लस एच रो जी। क्या स्टेप क्लियर है? इसी क्वेश्चन को करने का एक और भी तरीका है, आप ये जो एच रो जी का फॉर्मूला वर्टिकल लगाते हो, इसकी जगह हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हो। देखो कैसे, इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो पी एटमोस्फेयर होगा। पी एटमोस्फेयर क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई पानी तो है नहीं, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, तो आखिरी पार्टिकल है जिसके ऊपर प्रेशर पी एटमोस्फेयर है। तो यहां प्रेशर पी एटमोस्फेयर है, यहां का प्रेशर पी ए है, तो यहां का प्रेशर ज्यादा होगा कि ए का ज्यादा होगा, ए का। वो क्यों, बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, क्योंकि पीछे की तरफ पानी आ रहा है सूडो फोर्स की वजह से, क्योंकि सिस्टम एक्सलरेट कर रहा है आगे की तरफ और पानी पीछे आ रहा है, तो पीछे के प्रेशर ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू आगे का प्रेशर। तो ए का प्रेशर इस पॉइंट से ज्यादा होगा पी एटमोस्फेयर से, पी ए माइनस पी एटमोस्फेयरिक इज इक्वल टू एच रो जी की जगह, एच की जगह क्या आएगा यहां पर, लेंथ एल, डेंसली लिक्विड की रो। अब जी नहीं, क्योंकि जी तो नीचे होता है, जी की जगह यहां पर क्या आएगा, ए, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसमें कितनी है, ए, तो यहां पर ए आएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जब आप वर्टिकल में लगाएंगे तो जी आएगा, जब हॉरिजॉन्टल में इसमें लगाएंगे तो ए आएगा। तो पी ए क्या आएगा, पी एटमोस्फेरिक प्लस एल रो ए, करेक्शन करो यहां पर जी काट के ए लिखो, जी कट करके यहां पर ए आएगा। ठीक है यहां तक? ठीक, देखो तो इसके अंदर ये वैल्यू आ गई। अब एक चीज देखो, अगर ये कंटेनर एक्सलरेट नहीं होता, रेस्ट पे ले आते हैं, तो बोलो ए क्या होगा, जीरो। ए जब जीरो करेंगे, ए जीरो करेंगे या ए यहां पे जीरो करेंगे, तो पी ए क्या आ जाएगा, पी एटमोस्फेरिक। क्यों, क्योंकि फिर उस केस में ये लेवल एकदम सीधा हो जाएगा और ए पॉइंट भी एग्जैक्टली सरफेस के ऊपर हो जाएगा, लेवल पानी नीचे गिर जाएगा, तो ये सब एक ही लेवल पे आ जाएंगे, टॉप मोस्ट सरफेस पे, और टॉप मोस्ट सरफेस के ऊपर पी एटमोस्फेयर ही आंसर आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें? जैसे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ क्लोज्ड एक्सेलरेटेड कंटेनर, तो एक क्लोज्ड एक्सेलरेटेड कंटेनर है, जैसे बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, बिल्कुल क्लोज्ड, और ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे आपको ऐसे दिखेगा ये। जब आप इसे एक्सलरेट करवाएंगे तो आप पानी तो पीछे मूव नहीं करवा सकते, पर हाँ फोर्स तो लगी रही है सूडो पीछे की तरफ, तो आपको बुक्स में डॉटेड 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 पानी की सरफेस ऐसी दिखेगी। इसका मतलब इट इज एक्सपीरियंसिंग अ सूडो फोर्स। खड़ी हुई, अगर रेस्ट पे पड़ा हुआ पानी तो ऐसे दिखेगा, और अगर एक्सलरेटेड है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा, हालांकि पानी भरा पड़ा है सिर्फ दिखाने के लिए कि इसमें सूडो फोर्स है। ठीक, तो मैंने इसमें एक पॉइंट लिया Q जो कंटेनर के ऊपर से h डिस्टेंस पे है और इस पॉइंट से l डिस्टेंस पे है, और a पॉइंट जो है यहां का प्रेशर जीरो। यहां प्रेशर जीरो क्यों लिया मैंने a पॉइंट का, एटमोस्फेयर नहीं होना चाहिए था एटमोस्फेयर, क्यों, क्योंकि क्लोज्ड है, आपने एटमोस्फेयर से इसे बचा लिया, बंद कर दिया, तो यहां पर एटमोस्फेयरिक एक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर ऊपर की सरफेस पे एयर होती, ओपन टू एयर होता, फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर इसमें काम करता। क्या है पॉइंट, क्लियर है यहां तक? फिर एटमोस्फेरिक प्रेशर काम करता। यहां का इसलिए प्रेशर जीरो है क्योंकि इट इज नॉट ओपन टू एयर, तो बिल्कुल कोने का पॉइंट है, इसके ऊपर ना पानी है ना एयर है, तो जीरो। तो ये पॉइंट क्या है, क्यू पॉइंट है, और जिसका डिस्टेंस यहां से कितना है, एल, और ये हाइट कितनी है, एच। तो क्यू पॉइंट के प्रेशर को निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक, हम हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लगाते हैं,
तो बताओ क्यू पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा कि बी पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा? क्यू का। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर में यह भी तो बताया था कि अगर एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है और जिसमें ये पॉइंट्स है पी एंड क्यू, तो या मान लो ये पॉइंट्स है पी एंड क्यू, तो सेम लेवल पे अगर पॉइंट्स हैं तो प्रेशर उनके ऊपर एग्जैक्टली क्या होता है? सेम। तो इसमें लग क्यों नहीं पा रहा? क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर ये रेस्ट पे होता तो लग जाता। सूडो फोर्स की वजह से पीछे पॉइंट का प्रेशर बढ़ जाएगा, अगले पॉइंट का प्रेशर कम रहेगा। अगर सूडो फोर्स ना होती फिर बराबर हो जाता, ठीक है? तो इस केस में क्यू का प्रेशर बी से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा बोलो? हॉरिजॉन्टल में लगाए, पी क्यू माइनस पी बी इज इक्वल टू एच की जगह एल रो। अब जी तो एक्ट करेगा नहीं, जी की जगह यहां पर क्या आएगा? ए। इक्वेशन क्लियर है? और ऐसी ही इक्वेशन वर्टिकल में लगाए। अब वर्टिकल में इस पॉइंट का प्रेशर बोलो क्या होगा? जीरो। अब इसका जीरो है तो इसका भी जीरो। जीरो क्यों? ना तो एटमोस्फेरिक है, ना पानी सरफेस के ऊपर है, कुछ भी नहीं है, जीरो। तो पी क्यू माइनस पी जीरो, जीरो पी, ओके इसकी जगह से यहां लगा दिया, कोई बात नहीं, मैं गलती से यहां लगा रहा था, एक ही बात है, खैर यहां लगा दो। पी बी माइनस पी जीरो, पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू, ये हाइट है तो ये भी हाइट एच है, एच रो जी, एक ही बात है। तो यहां लगा दिया पी बी माइनस जीरो इज एच रो जी। जी क्यों? क्योंकि वर्टिकल में है। यहां से इसको जीरो पुट किया, पी बी की वैल्यू एच रो जी, पी बी की वैल्यू को उठा के यहां पुट कर दिया, तो पी बी माइनस एच रो जी इज इक्वल टू एल रो ए यहां से आ गया, और पी क्यू की वैल्यू इसके सम के इक्वल आ गए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये प्रेशर्स कैसे निकल रहे हैं। तो एक बार इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में और एक बार इक्वेशन वर्टिकल में। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?